guys, hope you are doing well. So again, I am Atul Jain from Intellisys Investment and Trading, powered by Amit sir, who is SEBI registered analyst. Yes, SEBI registered analyst. So सबसे पहले guys, यहां पर एक सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और पुराने हैं तो लोगों को सब्सक्राइब कराइए। यहां पर एक बेल आइकॉन है, इसको प्रेस करिए जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन इंटेलिसिस की मिस ना करें गाइस। सो आज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, वो है पावर ऑफ बीइंग एन इन्वेस्टर। सो पावर ऑफ बीइंग एन इन्वेस्टर, सो गाइस फर्स्ट कैटेगरी जो होती है वो होती है एम्प्लॉई। ही ट्रेड टाइम फॉर मनी, ही इज द पर्सन हु बेसिकली गो टू वर्क come back home, go to work, come back home, go to work, come back home, go to work, come back home. In my terms, he is the price tag guys. मतलब वो टाइम देता है और पैसा बनाता है। दूसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है बिजनेस ओनर के बारे में। He owns a business to bring in money. मतलब वो काम करते हैं, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में काम करते हैं और पैसा कमा के लेके आते हैं। और तीसरी कैटेगरी जो होती है गाइस वो होती है इन्वेस्टर की। यस, आपके बारे में मैं बात कर रहा हूं, इन्वेस्टर की। ही इन्वेस्ट मनी एंड मेक देम वर्क फॉर हिम। एंड अगर मैं इसको एक हिंदी में ट्रांसलेट करूं, वो पैसा लगाते हैं और पैसा उनके लिए काम करता है। सो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं गाइस कि आप जो एक थर्ड कैटेगरी में आए हैं, आप इन्वेस्टर हैं, राइट, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। लोगों का परसेप्शन चेंज होता जा रहा है, लोगों का माइंडसेट अब चेंज होता जा रहा है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, एंड लोग अब इसको समझने लग गए हैं कि स्टॉक मार्केट इज अ लीगल बिजनेस, इसमें बहुत पैसा बनाया जा सकता है। मतलब लोग पहले डरते थे स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने के लिए, आज लोग प्राउडली बोलते हैं कि आई एम वर्किंग इन टू स्टॉक मार्केट एंड ऑफकोर्स दे आर मेकिंग ए प्लानिंग, दे आर मेकिंग अ मनी गाइस। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, करेक्ट दैट यू आर एन इन्वेस्टर एंड यू आर ऑन द राइट पाथ वेयर मनी विल वर्क फॉर यू। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड वीक अहेड। थैंक यू सो मच।